के नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया गया? बोल रहे हैं ठीक है। जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? मेघालय। सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा। ठीक, आप लोग बताइए, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्र ग्रह पूर्ण निर्देशन प्रेक्षण को लॉन्च किया है? कौन सी संस्था? कौन? वैसे जैसे आप बोल रहे हैं, हाँ हाँ वैसे में से बोलना है। नासा रहेगा तो? नासा सही है। चलिए आप लोग बताएंगे कि भारत ने किस वर्ष तक सेना क्षेत्र में ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है? हाँ, आ? 30 तक सही है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? सही है, तमिलनाडु। 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया? बोलिए जल्दी। हाँ, पास पास कनाडा। ठीक है, नवंबर 2021 में किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया? हाँ, चौथी पनडुब्बी ना? हाँ, चौथी। हाँ, चौथी पनडुब्बी। नवंबर 2021 में किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया? पास है। INS वेला। अच्छा, आप लोग चले। अच्छा, क्वेश्चन दे रहे हैं या अब नहीं बोलते कि क्या बोलते? क्वेश्चन तो अच्छा, अभी खाते में है। कितना टाइम हो गया? बताइए, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? फेनी नदी। चलिए, किधर से क्वेश्चन है? हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई? हाँ, मिस्र में। ठीक, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? सुन लीजिए, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? सिक्किम। ठीक है, किस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? हाँ, हाँ? किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया?
पास है, पास बताइए। हाँ ठीक है, अस्ट्रेटो लॉन्च ना बोल रहे हूँ। हाँ ना वो कन्फर्म थे, सुनिए। विश्व संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविन टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? घाना। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना? राज्य में गोवा। अब देश में किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया? कौन है आईटीएन? किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया है? मद्रास। ठीक है, आप लोग बताएंगे। किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? हाँ कैसे खड़गपुर प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है तो वही ना था, जैसे ये हुआ था आज के 6-7 दिन पहले। हाँ सुनिए फिर से क्वेश्चन को जी कहते हैं। किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? अगर वैसे बोल देंगे तो फिर आंसर हो जाएगा। बताइए आप लोग, आप ना बोलेगा, चल गया उधर क्वेश्चन बोला ना महाराज। हैं पास है ई कुशल। कितना टाइम हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? हाँ बिहार है। चलिए ठीक है, बिहार है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई? किस मंत्रालय के द्वारा? संस्कृति मंत्रालय। हाँ तो बोलिए, आप ही बोलिए। शिक्षा मंत्रालय सही है। अढ़ाई बज गया। चलो ठीक 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 चलिए बताइए। तो पंकज अडवाणी का किस खेल से संबंधित है? स्नूकर। सही है जी। आगरा का किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अकबर। सही है। डबल फॉल्ट सब जो है से किस खेल से संबंधित है? टेनिस। टेबल टेनिस। टेनिस सही है। मुर्रा बताइए तो।
कौन सी प्राणी का है, कहाँ का है? हाँ तो कहाँ? राजस्थान। क्या हुआ? आप ध्यान दीजिएगा, नंबर गलती नहीं दीजिएगा। ओनम बताइए तो कौन सा प्रमुख त्योहार है, कौन राज्य के? केरल। बताइए तो विटामिन ई का रासायनिक नाम? टोकोफेरॉल। एल्फेंटा दर्रा कहाँ है जी? मेघालय। ना देश का नाम बताना है। जैसे कहे के मतलब है, आप क्लियर करिएगा ना कि आप कि अच्छा चलिए हम कुछ ना बोलेंगे। चलिए ठीक है, ठीक ठीक ठीक। लैंड ऑफ सेटिंग सन, लैंड ऑफ सेटिंग सन के रूप में जैसे किस देश को जाना जाता है? ब्रिटेन। सही है। एशिया का पेरिस, एशिया का पेरिस। लैंड ऑफ सेटिंग सन ब्रिटेन। बताइए एशिया का पेरिस किस देश को कहा जाता है? टाइम को देखते हुए पास पास है। एशिया का पेरिस। हाँ चलिए आप लोग बताइए चीन का खोज बताइए तो कौन किया था? चीन का खोज सही है। तो आप लोग बताएंगे कि मार्को पोलो किस देश का था? इटली। कब किया था इसका खोज चीन का? मार्को पोलो किया ना खोज, तो कभी किया होगा ना। तो इसमें दिया है इसमें चला के 5 बजे तो जाते हैं ट्यूशन पढ़ाने। जल्दी टाइम को देखते हुए 14वीं सदी ईस्वी बताना है। पास है बताए। सही है। 12 बहत्तर। चलिए ठीक है, ठीक। चलिए आगे बताइए। आप लोग बताइए कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? 1835। ठीक है। आयात निर्यात बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आयात निर्यात होता है ना। आयात निर्यात बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष हाँ टाइम देखते हुए पास है। बताइए बताइएगा पास त
तर्जनी वकील आज जरा बताइए आप लोग कि कुरनूल जो है ना, हाँ कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है? हाँ 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 सही है। कलिंग पुरस्कार की स्थापना हुआ था 1951 में, ठीक ना? हाँ शायद इसमें 51 दिया है। हाँ तो किसने किया था? यूनेस्को। नाम बताना है आदमी के? हाँ जे बी पटनायक, ठीक है। अब हाला ना करिए, आप लोग के मिल चुका है नंबर ऐसे। चलिए पटनायक जे बी पटनायक जयप्रकाश ना हुआ है। अब पटनायक बोल रहे हैं बीजू पटनायक। अच्छा ये कौन चीज को कहिएगा, बी के कौन कहिए? जयप्रकाश ना जय से ना जय आई बी से कुछ हुआ बीजू पटनायक। चलिए आगे ना, जे बी पटनायक तो बी से कुछ तो नाम होगा ना, बीजू नहीं अगर कुछ होगा। चलिए आप लोग से ना, नेशनल टेनिस एकेडमी जो है वो कहाँ स्थापित है? हाँ बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, जूलियस सीजर को हत्या जो किसने की थे? जूलियस सीजर, हाँ पास है, पास है जी। जूलियस सीजर की हत्या जो से किसने किया था? पास है। ब्रूटस, ब्रूटस। तो आप लोग बताइए कि भारत चीन के साथ युद्ध हुआ था कब? 1962 में, ठीक। तो छोटा डेट बताइए था। छब्बीस अक्टूबर, आप लोग बताए। हाँ तो अक्टूबर में है तो बताए। हाँ हाँ बोलिए, हाँ हमको बोल रहे हैं का सुबोध कहाँ है? चल जा तुम बोल रहे हैं ना, देखा है ना? चलिए एशवन, एशवन तू रोज रहता है का, कितना बोले? 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर सही है, पास हो गए, पास हो गए। चलिए ठीक है, चलिए बताइए तो भारतीय जागृति का जनक किसको कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसको कहा जाता है? हाँ ठीक, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है कहाँ स्थापित हुआ था? उत्तराखंड में, सुन लीजिए कौची कह रहे हैं, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? उषा, हाँ हाँ राजा के नाम बताए। पास है, पास है।
हाँ हाँ बोल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। पकड़े हैं लेकिन सर, पुदुचेरी चलिए बताइए, पुदुचेरी विश्वविद्यालय है, चलिए सुन लीजिए आप लोग से ना, जामिया मिलिया इस्लामिया को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जामिया मिलिया इस्लामिया, सही है। विश्व में सबसे बड़े वन घने वन जो है किस देश में है? विश्व में सबसे बड़े वन घन वन घने वन किस देश में है? हाँ हाँ देश से बताना है, चलिए बोलिए आप लोग। बोलिए बोलिए, घने वन के जंगल जो है विश्व में सबसे बड़े, वो घने वन के जंगल घने वन जो है वो किस देश में है? ब्राजील रहेगा, ब्राजील सही है। चलिए आगे बताइएगा, सुनिए, हवाई द्वीप का पुराना नाम? सही है। चलिए बताइएगा आप लोग, ब्रिटेन की लौह महिला किसको कहा जाता है? बोल है ना, ठीक है। जहाजों में समय मापने के लिए और किसका प्रयोग किया जाता है? जहाज पानी वाला बोल रहे हैं, सुनिए सुन लीजिए एक बार, जहाजों में समय मापने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? पास है, क्रोनोमीटर रहेगा, बताइए आप लोग। सुनिए, जहाजों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पास आ रही है, हमने भी पास क्रोनो हुआ ना इन लोग क्रोनोमीटर ओ महाराज बोलना चाहिए ना, किलोमीटर है, किलोमीटर देखिए। चलिए आगे आइए, हाँ इधर से बताइएगा, मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी, ठीक है। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वीणा, ठीक ठीक आप लोग बताइए, बहु बैरल रॉकेट प्रणाली जो है, छोड़िए इसको, दूसरे परमाणु परीक्षण को किस नाम दिया गया था? कौन सा नाम दिया गया था दूसरे परमाणु परीक्षण को, किस नाम से नाम उसको कहा दिया गया था? हाँ भारत वाला होगा, पहला
काहे ना दशक है, बतिए ना उनको समझ आते आप कौची शक्ति तो, लेकिन उसके में हाथ लगाना है उसको में कुछ अंक डिजिट 2, 4, 10, 100, 50, 500 ऐसे। शक्ति तो ठीक है, रुक जा, शक्ति ठीक है, डिजिट लगाना है मतलब 20, 40, 105, 2000 पास बताए रुकिए ना भी नहीं लोग बताएंगे तो आप लोग को नंबर मिलेगा। जैसे शक्ति 20, 50, 200, 500 वैसे पास है शक्ति 98 दे दीजिए नंबर उनके। हाँ 98 तो हम तो वही बोल रहे हैं ना, हम कुछ कह रहे हैं, हम तो बोल ही रहे थे सर। चलिए आगे बताइए, ग्राम विकास विभाग की स्थापना बताइए तो कब हुआ था? हाँ ग्राम विकास विभाग पास है, बताइए आप लोग 1974 बताइए तो। रेलवे में एक होता है आरएसी, उसका फुल फॉर्म बता दीजिए आरएसी। हाँ ना ना मोबाइल यूज ना करना है, अरे आप लोग जब याद रहता है ये भुला देते हैं आप लोग याद करें। पास बताइए आप लोग आर एस सी। हाँ फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, फुल फॉर्म आर से कौची होता है, ए से कौची, सी से कौची। पास है, सुनिए रिजर्व अगेंस्ट कैंसिलेशन, आप लोग बताइए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में आधा क्वेश्चन में कटल है। अम्लीय भूमि का पीएच मान बताए तो, हाँ अम्लीय भूमि का पीएच मान ना ना ऐसे एकदम एक्यूरेट। हाँ पास है बताइए। हाँ पास है ठीक तो था 6.5। कौन से कह रहे थे चलिए बताइएगा, बोडो मैथिली सिंधी संथाली उस सिंधी भाषा को नहीं जोड़ा गया है ठीक ना, वो कैवा संविधान संशोधन के जरिए आप लोग से। हाँ कैवा खाली बता दीजिए वो बात है, क्वेश्चन सुन लीजिए, सिंधी को नहीं जोड़ा गया है किसके जरिए, जैसे बोडो मैथिली सिंधी संथाली को जो है जोड़ा गया है। ना ना ऐसे ना है, ठीक है ठीक है ठीक है भाषा में वो नहीं किया। हाँ तो कितना 92 से है। तात्या टोपे के वास्तविक नाम बताए तो, रामचंद्र पांडे।
बोल रहे ना तात्या टोपे का वास्तविक ना आ ठीक हम यहाँ बोले आप लोग बताएंगे। हाँ आप चुप रहे। चील का झील जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किस किस चीज के पालन के लिए? झींगा मछली के लिए। इसको ऊपर उठा दीजिए, ऊपर उठा दीजिए। ठीक है अब आप लोग बताइए, किधर से क्वेश्चन है? इधर से। महात्मा गांधी थे अब्दुल्ला सेठ के नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे, वो कब गए थे? 1893। ठीक ठीक ठीक। आप लोग बताएंगे सीओ में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात बताए था, रेशियो। हाँ सीओ कार्बन मोनो ऑक्साइड। केमिस्ट्री ऑनर्स कुणाल सर कहाँ चल गए? वन अनुपात एक। हाँ आठ तो निकालिए ना तो जल्दी। सुने दीजिए। हाँ सही है। चलिए आप लोग बताएंगे बिहार एगो बिहार पहाड़ है, ठीक है ना? कौची है बिहार पहाड़, वो किस देश में स्थित है? रोमानिया। बताइए तो बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किस से है, किस खेल से? टेनिस। आप लोग बताइए। बेगम हजरत महल बोलिए। हॉकी नेगेटिव हुआ। ये है आपका महिला फुटबॉल। चोल शासक जो थे वो किस धर्म के नहीं थे? शैव धर्म। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सात। ठीक। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? कार्बनिक यौगिक हाँ प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन? फर्स्ट टाइम के देखते हैं, बड़ी टाइम ले रहे हैं। यूरिया बोलिए आप लोग। पास है। यह है आपका सेलुलोज। चलिए इधर से बताएंगे। हाँ बोले हैं नेगेटिव दीजिए। मेरा वतन पुस्तक के लेखक हाँ सही है। बताइए तो डोलोमाइट जो है ना वो किसका अंश है? कैल्शियम मैग्नीशियम। चलिए ठीक है।
नर्मदा नदी जो है इधर है, चले किसमें गिरती है? हाँ कौन सी बोले? अरब सागर, सही है। संसद भवन में पहली, संसद भवन की पहली ईंट कनॉट के ड्यूक ने कब रखी थी? इसमें बताना है। एक ही सही है, छोड़िए। आजाद शत्रु का उपनाम बताइए तो। कौन एक विश्व शांति दिवस बताइए आप लोग? हाँ शांति दिवस। अच्छा रुक रुक देखो, आप कितना बोला? देखिए तो हो सकता गलती दिया, हम बोले विश्व शांति दिवस। रुकिए ना, अभी होने बोले, अभी उन लोग ना बोले हैं। याद है उन्हें सर्च मारा ना? चलिए ठीक है, नंबर दीजिए। एक सितंबर ना है, इच्छा अगस्त दे दे। इंडोनेशिया की जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का पुराना नाम बताइए। हाँ बोल रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा इंदौर में हो जाइए ना, संजीव जी आओ, तुमको चेहरा नजर आना चाहिए। चलिए, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है मतलब कैसा है, कैसा प्रवलित है, कैसा है, इसे मतलब बताना। हाँ प्राचीन में कैसा था ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, प्राचीन में वो कैसा पर्वत था? पास है, वलित पर्वत रहेगा, वलित आप लोग बताइए। सही है, मुर्दार है, मुर्दार है। एक होता है, अच्छा दे दीजिए, दे दीजिए नंबर नंबर। चलिए आगे बताए तो, जवाहर सुरंग जो है से किस दरा में स्थित है? बनिहाल दरा। नमस्कार कुणाल सर, ऐसे बोलना चाहिए। ना आ गए थे पहला ही, काम से चल गए थे, बीपीएससी के सेट मार के गए हैं सर। यूजीसी की स्थापना बताइए तो। तिरपन आप लोग बताइए, छप्पन सही है। सेट मारिए ना सर, दे देंगे नंबर। हाँ हाल है ना, ऐसा का भाई
छप्पन सही। चलिए नंबर दें उधर, मिल गया बताइए विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह। हाँ हाँ सही है। बताइए माय प्रेसिडेंशियल इयर्स पुस्तक के लेखक। माय प्रेसिडेंशियल इयर्स टाइम का देखते हुए थोड़ा ऐसा बात ना कि आप लोग मिल रहे हालत नहीं ना ऐसा क्या बता सही है। चलिए आगे बताइए कि जे आर डी टाटा जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब। सही है। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना कब हुआ था। बताइए दीपक जी। ये फिर बोल दिए हैं क्या सहनवाजी के नहीं बोलना है। पास है बताइए। हाँ पास है। ये 48 में 1948 चलिए बताइए यू ठंड कप कप जो है वो किसे बिना आप लोग झूठे ना हल्ला कर रहे हैं ये बता रहे हैं या को चले चले आगे। चिली सुने हम कौची पूछ रहे थे हाँ यू ठांड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। हाँ 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 बैडमिंटन बोलिए आप लोग देखा तो अभी मार के मोबाइल में ये है आपका लॉन टेनिस। चलिए आप लोग बताइए बी आर चोपड़ा के पुराना नाम बताइए तो बताइए ना पूरा नाम। हाँ वही पूरा नाम बी आर चोपड़ा का पूरा नाम आप ना बोलेगा। हाँ कच्चू बोले बलदेव राय तो ठीक है आओ है ना। हाँ बलदेव राय ठीक है आओ है बलदेव राय उतने थोड़े है अभी रुका अभी रुका आ बोले तब ना मिलेगा अगर उन लोग नहीं बोलेंगे तो दे देंगे नंबर। चलिए बोले हाँ 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 सही है सही है। माइनस ना माइनस ना ना। चलिए
आप लोग बताइएगा, इधर से है ना, किधर से? संयुक्त राष्ट्र जो है उसका नाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे उन्हीं के नाम पर रखा, तो किन के नाम पर रखा गया था? संयुक्त राष्ट्र जो नाम पड़ा था ना, है किसने दिया था? किसने दिया था? हाँ, किसने दिया था? राष्ट्रपति का नाम पता है कौन था? रूजवेल्ट। ठीक है, चलिए साइंसों में से पूछेंगे, है ना? लुसेंट लिखल था उसमें, तो हाँ पूछ रहे हैं, ना पूछ रहे हैं। बताइए गोवा राज्य का निर्माण जो है कैवा संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? सही है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बताइए तो? 1950। इसमें बताइए संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन जो हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था? नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? याद है ना उन्हें? याद है ना? कौन सा देश में? हाँ, कौन सा देश में? शहर में? शहर होगा, शहर है, शहर। पास है, थोड़ा जल्दी करिएगा। लंदन। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? पास है, यह सैन फ्रांसिस्को। चलिए आगे बताइए आप लोग, आप लोग बताइए कि ज्यामिति का जनक किसको कहा जाता है? एसएमएस का फुल फॉर्म बताइए तो? चलिए आप लोग बताइए कि लिपुलेख दारा जो है किस राज्य में है? उत्तराखंड। अलाय दरवाजा किसने बनवाया था, किसके शासन काल में? खिलजी के शासन काल। खिलजी, ठीक है। आप लोग बताइए तो कि भाकपा का स्थापना कब हुआ था? भाकपा, भाकपा, भाकपा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ओ ए धरो जी, ये लिखे ला ना, कह दिया महाराज के, देख लो जी, देख लो। अरे पास बताइए, 25 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आप ही लोग से, तो किसने किया था, इसका संस्थापक कौन था? भाकपा का। हाँ,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यही है, ठीक है। आप लोग खाली बता दीजिए कि माकपा का संस्थापक बता दीजिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है ना, कौन कौन? हाँ तो वो नहीं, इसमें नहीं, मतलब कौन के थे? ना ना मोबाइल बंद कर दीजिए, चमना ना बंद कर, बंद कर दीजिए, थोड़ा सा क्लिक हो जाएगा मोबाइल। शशि जी बंद कर दीजिए। हाँ तो ओकरे में तो साथ है, वह आ जाएगा। बताइए आप लोग पास हैं? कौन सी बोले? डांगे सही है, डांगे भाकपा, भाकपा है कि माकपा है? तो ये में दे रहा है 25। चलिए आगे बताइए, बाबर के मृत्यु कहाँ हुआ था? तो भुला देता हूँ, जगह के नाम बताइए। हाँ हाँ मुँह न जाए, मृत्यु बताइए कहाँ हुआ? हाँ बाबर का मृत्यु आगरा में, सही है। सेल के बाद स्थापना बताए तो, सेल सेल 74। कीटों के अध्ययन बताए तो, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, सही है। आप लोग बताइए, मछली वाला बताइए तो, ठीक है। समुद्री जल का पीएच मान बताइए, ठीक। द्वैता द्वैतवाद किसको? हाँ बताइए, द्वैता द्वैतवाद निम्बका चार, सही है। आप लोग बताए तो, विश्व विकास रिपोर्ट जो था वो कौची था, यूनिसेफ का? छोड़िए हटाए, ये एक वार्षिक प्रकाशन था। आप बताइए इधर से, नाना साहेब के नाम से कौन जाने जाते थे? ठीक है, वेलिंगटन कप बताइए तो, नौका दौड़ आप लोग बताइए। हाँ वेलिंगटन कप बोल रहे हैं, हाँ की गलत है, घुड़दौड़। हाँ घोड़ दौड़, घोड़ा दौड़, बताइए तो। कील नहर जो है, कील नहर है वो किसको किसको जोड़ते हैं? ठीक। केपी नहर आंध्र प्रदेश कर्नाटक ना तमिलनाडु। गोटा नहर बताइए, गोटा नहर। हाँ हाँ
और बताओ दीजिए लोग सही है सही ठीक आप लोग बताइए महाबली गंगा जो है किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका। संघीय मंत्री परिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। ठीक है बताइए तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति ठीक ना इसकी स्थापना बताइए तो हाँ आयोग की स्थापना कब हुआ था? अनुसूचित जाति कहे तो एससी शेड्यूल कास्ट ठीक है आप लोग बताइए इसमें बताइए आप लोग कि इजराइल के संसद का नाम बताइए तो नेसेट जर्मनी के बताइए ठीक है बुंडस्टैग आप लोग बताइए कि भूटान के जो बताइए तो राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी ठीक तो अमेरिका के बताइए बेसबॉल बेसबॉल स्पेन के बताइए तो आप लोग बताइए तो कि तौरन का बताइए बीमा ऐसे ना एल टी एम ऐसा करके रहता है ना हाँ तो बताइए पास जब बोलिए एम एल टी माइनस टू एम बोल रहे हैं ना चलिए बोले कौजी बोले गलत हो तौरन के देखा ना कौजी एल टी माइनस टू एम के पावर जीरो माने वही ना आइए एम जीरो वही ना होता है स्टैंडर्ड आप कौन बोले थे किधर नंबर दीजिए एल टी माइनस टू ठीक है चलिए चलिए ठीक है बताइए तो मिलर राइट जो है से किसका अंश है निकल एगो इधर नंबर दीजिए आप लोग बताइए स्मेल टाइट कोबाल्ट सही है हाँ हाँ क्वेश्चन आप लोग बताइए
एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता की स्थापना कब कब मतलब 1784 ठीक है। ललित कला अकादमी बताइए तो नई दिल्ली में है, वो कब हुआ था स्थापना? हाँ चौवन से भारत महोत्सव, भारत महोत्सव कब ना कौन है मतलब कब स्थापना? ठीक है। आप लोग बताइए कि दादरी जो है विद्युत परियोजना है वो कहाँ है, कौन सा राज्य में है दादरी? उत्तर प्रदेश। ठीक ठीक। और यह बताइए तो और यह ठीक है। कैथलगुड़ी असम ठीक है। मैथन चलिए। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर। लोक कला शैली बताइएगा। साथिया बताइए तो गुजरात। आप बताइए अपना अपना बिहार आप लोग बोले चुप रहे। सुनिए ये क्वेश्चन आपसे नहीं रहेगा ना, आप लोग दूसरा क्वेश्चन बोले। हाँ अच्छा सुनिए ना, तो हम अपने ना बोले हैं। हम लोग सुनिए हम बोलते हैं कुछ, अब आप लोग अपने क्वेश्चन बना देते हैं, जो आता है ना वही वाला क्वेश्चन उठाइए। नेगेटिव तो होना चाहिए देखे। अच्छा चले दूसरा क्वेश्चन। हाला मत हाला नहीं चलिए, हालांकि वही वाला यहू इन लोग भी बोल दिए थे, हम जब बोले ना कि गलती तब सर जी बदल रहे हैं। सुन लीजिए अपना जो है पहाड़ी क्षेत्र है, आई है अर्पण ठीक ना, अर्पण जो है से अपना बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन। ना ना बात नहीं चलिए बताइए। सुनिए भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी बताइए तो, भारत के पश्चिम से पूर्व की दूरी 29-33 ठीक है ना, उन लोग बोल रहे थे चले ना कमेंट ना एक दूसरे पर वैसे झगड़ा हो जाता है। बड़े दिन ऐसे बंद हो गया था, बड़े दिन के बाद स्टार्ट हुआ है। चलिए हमरे में लेट नहीं हो रहा, आप लोग में लेट हो जा रहा है। चलिए बताइएगा कि डॉक्टर भगवान दास को कि भारत रत्न से सम्मानित कब हुआ था? भगवान दास हाँ एक बीमा थोड़ा निकालना कल कर, बोलिए जल्दी बोले था बोले
पचपन ठीक है ठीक। चलिए तो आप लोग बताइए तो विश्वेश्वरैया के, हाँ मोछमुंडा मोछगुंडम है, हाँ वो तो भगवान दास तो हो गए, ये विश्वेश्वरैया मोछमुंडा जिसको बोल रहे हैं पचपन है सही है। जवाहरलाल नेहरू को पचपन में ठीक चुप रहे आप। अमर सिंह के बताइए तो अंठानवे में वो नहीं बात कर रहे हैं सर जी अपना लिखे हाँ